हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी वन क्लासेस। दिस इज योर मेंटर रोहित संगर। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 स्टैटिस्टिक्स का मॉड। ये मान लीजिए मतलब कि अगर सोने पे सुहागे वाली बात हो जाती है, अगर बोर्ड एग्जाम में मॉड दे देता। बहुत सिंपल, बहुत आसान, मैं कह रहा हूँ आपको कि बस देखिए और मॉड में पूरे नंबर ले लीजिए। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं मॉड कैसे निकाला जाता है। मॉड का मतलब क्या होता है? अगर मैं आपसे बोलूँ व्हाट इज मॉड, तो देखिए बचपन में जब मैं छोटा बच्चा था तो वाली बात थी, तो 2, 2, 3, 4, 5, 6। अब मैं पूछूं मॉड कौन, मॉड का मतलब होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ अकरेंस। तो कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार आ रहा है? इट्स 2। तो आंसर 2 मॉड हो गया। यहां तक तो कहानी ठीक थी, लेकिन व्हाट अबाउट इफ क्लास इंटरवल इज देयर? अब वहां पे कैसे निकालेंगे कि मॉड क्या है? तो वहां पे निकालने का बहुत सिंपल सा तरीका है, सिंपल सा एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को याद करना है आपको और आपकी चीजें प्रूव हो जाएंगी। देखिए मॉड का जो फॉर्मूला है, दैट इज मॉड इक्वल्स टू एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन 2f1 माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच। ये है आपका मॉड का फॉर्मूला। ठीक, दिस वन इज द फॉर्मूला फॉर मॉड। इसको हम देखेंगे एक एग्जांपल के साथ। वीडियो बिल्कुल बिल्कुल भी बड़ी नहीं जाने वाली है, ट्रस्ट मी, लेकिन हाँ ये समझने के बाद आपके बल्ले बल्ले। देखिए हम निकालते हैं मॉड सी आई, क्लास इंटरवल देते हैं सपोज टू की, और ये दे दी फ्रीक्वेंसी, और अपन को क्लास इंटरवल दिया 1, 3, 3, 5। ओके, 1, 3, 3, 5, 5, 7, 7, 9, 9, 11। ठीक, फ्रीक्वेंसी जो दी है वो 7, 8, 2, 2, 1। ओके, नाउ सी, देखिए मॉड में सबसे अच्छा मैं क्यों बोलता हूँ कि मॉड आना चाहिए। अगर मॉड आता ना तो मतलब इसमें तो फ्री के नंबर है, मीन में फिर भी कैलकुलेशंस है, हाँ इन केस ऑफ मीडियन देयर इज आल्सो कैलकुलेशन, बट इसमें मजा है, बिल्कुल मजा है। देखिए सी ये फॉर्मूला है, तो कहीं पे भी मेरे को फ्रिक्वेंसी की जरूरत नहीं पड़ रही सम की, बट ध्यान रखना मॉड में फ्रिक्वेंसी बहुत मैटर करती है। अब देखिए सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी किसकी है, मिल गई सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी, ये तो ये आपकी बन गई मॉडल क्लास। ठीक, मॉड से आपको मिलेगी मॉडल क्लास, और यहां से मिलेगा एमसीक्यू भी। क्वेश्चन ये होता है, जैसे आपको उसने दे दिया एमसीक्यू, मैं बोला कि मॉडल क्लास की लोअर लिमिट कितनी है, तो मॉडल क्लास की लोअर लिमिट ये। अच्छा आपसे ये पूछ सकते हैं मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी, ये है। अच्छा ये पूछ सकता प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो ये है। हम देखते हैं उसको, तो जो पहले मिला ये मिला 8, तो ये हो गया आपका एफ वन। ठीक, वन से पहले क्या आता है, ये हो गया एफ जीरो। वन के बाद क्या आता है, एफ टू। एच निकालना तो मैंने आपको सिखाया ही है, एच कितना है आपके पास, 1, 3, 2 है। ठीक है, माइनस करिए, 3 में से बन गया इट्स 2, वैल्यू पुट करें। ठीक है, ध्यान रखना सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो फोकस इधर रखना। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, हाँ लोअर लिमिट क्या होगी, लोअर लिमिट आपकी ये दी, सब कुछ मॉडल क्लास से निकालेंगे हम, ये लोअर लिमिट। ठीक, चलिए नेक्स्ट, मॉड होता है एल प्लस, एल कितना है मैं यहां लिख देता हूं एच को, तो एक फ्लुएंसी आ जाएगी एच इक्वल्स टू 2। एल 3 से वैल्यू पुट करिए, प्लस एफ वन 8 माइनस एफ जीरो 7 अपॉन 2f1। ठीक है, 2 इंटू एफ वन 2 8 16 माइनस एफ जीरो 7 माइनस एफ टू 2 इंटू एच। एच कितना है आपके पास, 2 है। कभी भी ध्यान रखिएगा इसको मत छेड़िएगा, पहले इसको सॉल्व करिए, 8 में से 1 गए, सॉरी 8 में से 7 गए 1 अपॉन 6 6 माइनस 7 माइनस 2 माइनस 9 माइनस 9 गए 16 से, तो माइनस 9 गए 16 से, तो 7 इंटू 2, तो ये आपके पास हो गया 3 प्लस 2 अपॉन 7। ठीक, अभी 2 अपॉन 7 है तो आप डिवाइड करेंगे इसको, तो पॉइंट में आएगा, पॉइंट में कितना रहा बेटा 7 2, तो आ रहा है 0.2 ले लेते हैं, बस एक डेसिमल काफी है। हाँ अगर है और तो आप और ले जा सकते हैं, बट मैं एक ही डेसिमल ले रहा हूँ, तो ऐड करेंगे तो 3.2 आ गया मेरा मॉड। और आप देखिए मैंने बोला ना आपको मीन मॉड मीडियन दीज आर सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब यू विल फाइंड दैट वैल्यू इन योर क्लास इंटरवल। मीन में भी बताया था मैंने आपको, सी आई में लाई कर रहा था, आप देखिए ये जो आपका आंसर है आपकी मॉडल क्लास में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, देखिए कर रहा है, इसके बीच में ही आ रहा ना, तो ऐसे निकालते हैं मॉड। तो आई होप आपको समझ में आया होगा
चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो को हमारे चैनल की नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय।